आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। परेड कमांडर सम्मान मंच टीवी प्रतिष्ठान ये देख सकते हैं। तृतीय वाहन नवनेत्र ड्रोन तकनीकी से लैस है। आप अपने गीतों के लिए नरेश सिंह ने कर दी दोहा। उत्तराखंड आज अपना 22वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजधानी देहरादून में स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस लाइन में पुलिस ने शानदार रैतिक परेड का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड पुलिस द्वारा शानदार परेड की गई। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार ने आज 10 विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी नवाजा, जिसमें मशहूर लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष मशहूर गीतकार प्रसून जोशी, पर्यावरणविद अनिल जोशी, साहित्यकार रस्किन बॉन्ड, साहसिक खेल से बछेंद्री पाल समेत CDS जनरल विपिन रावत, जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा और साहित्यकार पत्रकार और कवि वीरेन डंगवाल को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। तो ये राज्य ने, राज्य सरकार ने ये जो सम्मान शुरू किया है पिछले साल से, ये हम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, नए बच्चों को प्रेरित करेगा अपने काम को बेहतरीन करने के लिए। जो भी काम हो, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उसको बेहतर करने की कोशिशें लगातार होंगी। तो ये सम्मान उन सभी लोगों के लिए है जो लोग मेहनत से दम पर आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। उत्तराखंड के संघर्ष समाप्त हो गए, ऐसा नहीं है, संघर्ष है और हमें करने हैं, लेकिन हमें ही करने हैं और हमें ही निर्णय लेने हैं और हमें ही मिलकर जो है उत्तराखंड को एक, जैसे कहा हमने सुना आज आदरणीय धामी जी ने भी कई बार कहा कि क्या क्या हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिशें तभी कामयाब हो सकती हैं। धामी जी अकेले तो नहीं कर सकते, जब तक हम सब लोग उनके साथ नहीं जुड़े और हम ये सोच लें कि भाई हम लोगों को अब मिलकर उत्तराखंड को श्रेष्ठतम बनाए। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस द्वारा सुरक्षा बचाव को लेकर साहसिक प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस के ट्रेंड डॉग स्क्वाड द्वारा हैरतअंगेज प्रदर्शन किया गया, जिसने सभी का दिल जीत लिया। साथ ही ATS की महिला टुकड़ी द्वारा आतंकरोधी ऑपरेशन का भी सजीव प्रदर्शन किया गया, जिसमें आतंकियों द्वारा हॉस्टेज किए गए शख्स को सुरक्षित बिल्डिंग से बाहर निकालने का शानदार प्रदर्शन हुआ। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते सुरक्षा ड्रोन भी आकर्षण का केंद्र रहे। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हर परिस्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह से सक्षम है। जैसा मैंने अपने मन से ही बोला है कि उत्तराखंड पुलिस क्राइम नियंत्रण में, अपराध नियंत्रण में देश के सर्वोत्तम राज्यों में से है। हमारा जो वर्कआउट परसेंटेज है वो भी सर्वोत्तम है देश में, और जो प्रॉपर्टी रिकवरी का परसेंटेज है वो भी सर्वोत्तम है। बाकी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मार्ट पुलिस के विजन को अचीव करने में लगातार लगे हुए हैं। सख्त पुलिस भी और संवेदनशील पुलिस भी, मॉडर्न भी और मोबाइल भी, एक्टिव भी और अकाउंटेबल भी, रिस्पॉन्सिबल भी और रिस्पॉन्सिव भी, और ट्रेंड भी और टैक्सेबल भी, ये पूरा प्रयास हमारा चल रहा है। आप सब लोगों को जो उत्तराखंड के स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। देहरादून के अलावा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर भी आज स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत TV।